बोट वेव फ्लेक्स कनेक्ट स्मार्ट वॉच जो मैंने फ्लिपकार्ट पे खरीदा था 1499 रुपए का, एंड 10 रुपए मुझे इसलिए लगा एक्स्ट्रा ना क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे लिया था, तो 1509 रुपए का मुझे पड़ा। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है और अभी इसका प्राइस आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपए। ये स्मार्ट वॉच मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था कुछ दिन पहले, आज मुझे डिलीवर हुआ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिससे मेरा ये खरीदने का एक्सपीरियंस ना बहुत ही बुरा रहा। क्या है मेन रीजन क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, ये आज के इस वीडियो में आपको एंड तक पता चल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है रिमेश और अगर आप चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो बनाते रहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये जो स्मार्ट वॉच है के कुछ बॉक्स पे कुछ ऐसे चीजें हैं ना जिसे देख करके मुझे लग रहा है कि ये रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है क्या, रिपैक किया गया है। पूरा बॉक्स स्क्रैचेस से भरा हुआ है एंड ऊपर में जो यहाँ पे सील मिलता है ना, सील का पोजीशन थोड़े दूसरे जगह है एंड यहाँ पे पिछले किसी सील का यहाँ पे ग्लू आपको देखने को मिल जाएगा जो आप क्लोजली स्क्रीन पे देख सकते हो। तो किसी ने ये मंगाया होगा, उसका खराब रिसीव हुआ होगा या फिर माइनर डिफेक्ट हो गया या फिर पता नहीं उसने रिटर्न किया होगा, तो उस सील को हटा करके दोबारा से सील लगा करके इसे सेल किया गया है, ये मैं श्योर बोल सकता हूँ। तो बिना देरी किए गाइस चलो फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। So, ये रहा गाइस बोट का वेव फ्लेक्स कनेक्ट स्मार्ट वॉच जो मैंने फ्लिपकार्ट से ले रखा है। ये बॉक्स के ऊपर ना आपको बहुत सारी स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो पूरा बॉक्स है ना बहुत ज्यादा रगड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खराब कंडीशन में मुझे रिसीव हुआ है। लेकिन ये जो आपको ग्लू ग्लू सा देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बॉक्स रिपैक किया गया है। इससे पहले इसके ऊपर कोई सील लगा हुआ था, देखो यहाँ पे जिसका ग्लू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उसको कट किया गया होगा और उसको फिर उचाड़ के हटाया गया और दोबारा से इसे नए सील पे रिपैक किया गया। तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर स्मार्ट वॉच है या नहीं है या मेरे साथ स्कैम होने वाला है। इस वीडियो पे पहले आप बॉक्स का क्लोजर ओवरव्यू देख लो। मेड इन इंडिया बोट का ये रहा स्मार्ट वॉच, फुल स्क्रैचेस भरा हुआ है। वेव फ्लेक्स कनेक्ट बोट का लोगो राइट साइड में देख सकते हो, एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आता है, 1.83 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाता है। लेफ्ट साइड में ऑर्डर आईडी यहाँ पे देख सकते हो और बैक साइड पे देख सकते हो कुछ क्विक स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए लाइक हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मिल जाता है, क्लाउड वॉच फेसेस मिल जाता है, तो अलग अलग वॉलपेपर लगा सकते हो। IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि हल्का फुल्का वाटर एंड डस्ट में कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। मेटलिक डिजाइन है, म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, कॉल SMS सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, वेदर डेटा शो करेगा एंड कंपेटेबल है एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के साथ। नीचे साइड आ जाएंगे, नीचे साइड पे प्राइस मेंशन किया गया 7990 रुपए, लेकिन ये मैंने फ्लिपकार्ट पे खरीदा है 1499 रुपए का। चलो फटाफट से पहले सील कट करते नीचे वाले को, मैं इसे टच नहीं करूंगा, एज इट इज रहने दूंगा और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इसके अंदर है भी या नहीं है। इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। चलो और निकालते हैं चलो बाहर। उम्मीद करता हूं कि स्मार्ट वॉच हो कम से कम यार। तो स्मार्ट वॉच तो मुझे देखने को मिल गया है इसके अंदर, ये रहा। बॉक्स को करते हैं फिलहाल के लिए बंद एंड आते हैं मेन हमारे स्मार्ट वॉच के ऊपर। तो यहाँ पे हमें ये डायल देखने को मिलेगा और देख रहे हो किस तरीके से ये आपको यहाँ डस्ट देखने को मिल रहा है। देखो देख रहा है, ये एक मेड इन इंडिया ब्रांड खुद को बोलते हैं, असेंबल होता है यहीं पे। सबसे बुरी बात यही है ना, इनके पैकेजिंग आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं, रीपैक स्टिकर मिल रहा है, स्क्रैचेस से भरा बॉक्स मिल रहा है, अंदर डस्ट देखने को मिल रहा है। यार क्या कर रहे हो बोट, क्या कर रहे हो। हमें सबसे पहले यहाँ पे डायल मिलता है, अंदर स्मार्ट वॉच ही पूरा स्ट्रैप लगा हुआ है। ये रहा, पूरा का पूरा गंदा भरा पड़ा यार, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस। और गाइस और इसके बॉडी पे भी बहुत ज्यादा स्क्रैचेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो आपको ये साइड फ्रेम देखने को मिल रहा है ना, देखो यहाँ पे ये घिसा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हल्का डेंट सा नजर आएगा घिसा हुआ है। फिर और दिखाता हूँ आपको, इस कॉर्नर पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा स्क्रैचेस दिख रहा होगा आपको। देखो इसे मैं साफ कर रहा हूँ फिर भी ये साफ नहीं हो रहा है। एंड इस जगह पे आप देखो पूरा बॉडी पे यहाँ पे आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, बहुत बेकार। चलो देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है गाइस बॉक्स के अंदर। निकाल लेते हैं सब कुछ बाहर। सबसे पहले एक बोट का थैंक यू कार्ड मिल जाएगा, चलो ठीक है। फिर एक हमें स्टिकर मिल जाता है, अ होल लॉट ऑफ पैशन एंड समथिंग एल्स, इनका अलग से प्रोडक्ट कैटलॉग। 1 ईयर वारंटी है ना, तो कैसे रजिस्टर करना है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको कुछ टोटल 4-5 स्टिकर मिल जाएगा और एक आपको यूजर मैनुअल इसके साथ देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलता है, तो कुछ इतना लंबा मैग्नेटिक पिन आपको देखने को मिल जाएगा चार्जिंग केबल।
और यहाँ पे इसका क्वालिटी दिखा दे रहा हूँ, ये रहा इसका पिन वाला पोर्शन एंड यूएसबी पोर्शन है, किसी भी पावर बैंक किसी भी लैपटॉप में लगा के चार्ज कर सकते हो। वायर का क्वालिटी पतला है, ठीक ठाक सा है, नॉर्मल सा है, कुछ खास नहीं है इस पे बात करने के लिए। तब को करते हैं बॉक्स के अंदर पैक एंड आते हैं मेन हमारे स्मार्ट वॉच के ऊपर। तो मेन स्मार्ट वॉच गाइस हमारा कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का इसका फुल डिजाइन। इस स्ट्रैप पे आपको ना कोई भी बोट का लोगो ब्रांडिंग नहीं मिलेगा एंड ये रबर सिलिकॉन स्ट्रैप है, सॉफ्ट सा है तो पहनने में आपको डिसेंट सा फील होगा। ये रहा पीछे बोट का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है और ये इंटरचेंजेबल स्ट्रैप है, यहाँ पे आपको लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है, इस तरीके से आप खोल करके चेंज कर सकते हो और कोई और कलर का या कोई और डिजाइन का लगाना चाहो तो सिमिलर आप तो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। इसका स्ट्रैप साइज आप पूछोगे तो इसके अंदर आपको 22mm के स्ट्रैप साइज देखने को मिल जाते हैं। एंड नीचे वाला पोर्शन भी आप देख सकते हो, इस पे आपको बोट का यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा इंग्रेव। फ्रंट में आपको 1.83 इंचेस का एचडी डिस्प्ले मिलता है जिसके ऊपर आएंगे। पहले इसके साइड बॉडी को देख लो, ये फुल मेटल बिल्ड आपको साइड से देखने को मिलेगा, लेकिन आपको मैंने जो स्क्रैचेस दिखाए ना ये सच में मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। और यहाँ पे एक बटन मिल जाता है क्राउन बटन, जिससे पावर ऑन एंड ऑफ का बटन वर्क करेगा। नहीं मूव कर रहा है, मूव करके कोई फंक्शन होगा नहीं होगा वो मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। लेफ्ट साइड में आपको माइक्रोफोन होल मिल जाता है, राइट साइड में आपको स्पीकर का होल मिलता है क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी दिया गया है। एंड इस स्मार्ट वॉच के अंदर मुझे हल्का सा पेंट उखड़ा हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा ये जो स्पीकर होल है ना, यहाँ पे आपको हल्का सा पेंट उखड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको माइक्रोफोन होल मिलता है। तो मुझे ना ये थोड़ा यूज्ड प्रोडक्ट लग रहा है या फिर रिपैक किया गया या फिर रिफर्बिश्ड लग रहा है। एंड बैक साइड में चार्जिंग पिन मिल जाता है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाएगा, यहाँ पे सेंसर यूनिट देखने को मिल जाएगा, कुछ कुछ यहाँ पे आपको टेक्स्ट नजर आ जाएंगे जिनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो चलो इसकी स्क्रीन से स्टिकर को हटाते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 1.83 इंचेस का कर्व ग्लास, यहाँ पे आपको कर्व ग्लास डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 2.5D कर्व ग्लास रहता है। फुल ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलता है, बेजल एंड डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस आपको जब ये बंद रहेगा नहीं पता चलने वाला है, देखो। चलो इसको पावर ऑन करते हैं, लॉन्ग प्रेस करेंगे इसके पावर बटन को, यहाँ पे जोरदार वाइब्रेट हुआ एंड बोट लिख के आ चुका है। यहाँ पे QR कोड ओपन हो रहा है। एंड व्हेन नॉट कनेक्टेड मेनी फीचर्स आर नॉट अवेलेबल, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं, बाद में कनेक्ट कर लेंगे। तो ऑन कर दिया गाइस हमने और आप देख सकते हो इसके अंदर का आपको कुछ डायल इस तरीके से देखने को मिलेगा। स्क्रीन क्वालिटी भी आपके सामने HD स्क्रीन मिलता है, मैं जूम करके दिखाऊंगा तो जी हाँ, पिक्सेलेशन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ सा नजर आ रहा है डिस्प्ले, कोई भी यहाँ पे आपको पिक्सल्स नहीं नजर आ रहे। तो सच में इसके अंदर आपको HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो चलो अब इसके यूजर इंटरफेस से शुरू करते हैं। बटन दबाओगे लॉक होगा, बटन दबाओगे अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से नीचे स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट मेन्यू खुल जाता है जिसमें आपको यहाँ पे डेट एंड मंथ शो करने वाला है, डे शो करेगा, बैटरी लेवल शो करेगा, कनेक्टेड है कि नहीं वो शो करने वाला है। कुछ क्विक शॉर्टकट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिर नीचे से ऊपर करोगे तो पूरा इसका एक्टिविटी मोड आ जाएगा, इसके अंदर आप अपने एक्टिविटीज को चेक कर सकते हो, हार्ट रेट मॉनिटर आ जाता है, फिर चलोगे वेदर डेटा शो करेगा, म्यूजिक कंट्रोल इसके अंदर आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको वॉल्यूम स्लाइडर भी मिल जाता है, यहाँ पे स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, बस ये लास्ट इतना ही रहा। फिर लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे वर्कआउट का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे एक्सरसाइज मोड्स मिल जाते हैं। रिकॉर्ड के अंदर ना आपको सारा अपना डेटा शो करने वाला है कि आपने कितना यहाँ पे वर्कआउट किया वो सबके बारे में। हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है ऑन करने के बाद, ये ऑन हो जाता है कुछ इस तरीके से। और जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मेरा फिंगर विंगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो ये बंद हो चुका है। किसी भी मेन्यू पे आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तो वो बैक बटन की तरह वर्क करता है। हार्ट रेट के बाद फोन का ऑप्शन मिल जाता है, ऑफ कर दोगे तो ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं हो पाएगा, ऑन करोगे तो आप इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग कर पाओगे। फिर SpO2 का ऑप्शन मिलता है, अपने यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल को आप चेक कर सकते हो पहनने के बाद। तो फिलहाल बैक चलते हैं। एक्टिविटी के अंदर आपको बहुत सारे मोड्स मिलते हैं, कितने कैलोरीज आपने बर्न किए, कितने स्टेप्स आपने चले, कितना डिस्टेंस आपने यहाँ ट्रेवल किया। ब्रीथ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके ये आपको वाइब्रेट करके अलर्ट करेगा और आप एक्सरसाइज कर सकते हो। नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं फोन के कनेक्ट करने के बाद। स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, वेदर डेटा शो करेगा यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद। अलार्म लगा सकते हो, यहाँ पे आपको अलार्म लगाने का फीचर स्मार्ट वॉच के थ्रू ही दिया गया, आप टाइम सेट करके यहाँ पे अलार्म लगा सकते हो। स्टॉप वॉच का फीचर मिल जाता है, यहाँ पे आप स्टॉप वॉच को भी यूज कर सकते हो। टाइमर का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रीसेट टाइमर है, 5 मिनट स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाता है। फिर बैक चलते हैं, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, म्यूजिक प्लेबैक भी इसके अंदर मिल जाएगा। फिर इसके अंदर आपको कैमरा देखने को मिल रहा है ना, कैमरा नहीं है एक्चुअली, क्या है कैमरा शटर बटन की तरह वर्क करेगा, जब फोन से कनेक्ट रखोगे ना तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके फोन पे फोटो क्लिक होने वाला है। फाइंड माई फोन का ऑप्शन है, आप इसे अपने फोन पे कनेक्ट करके रखोगे दबाओगे तो फोन कहीं अगर सोफे के नीचे गिर गया है नहीं मिल रहा है तो उसमें एक सायरन बजता है और आपको पता चल जाता है कि कहाँ आपका फोन है। फिर फ्लैशलाइट का फीचर मिलता है, रात में एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे 5 लेवल तक दिया गया है और मिनिमम 1,
तो 5 पे इसको ओके कर देते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ब्राइटनेस पर टाइम आउट का फीचर है, टाइम आउट को कर देते हैं 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक ये टाइम आउट नहीं होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। वॉच फेस से आपको ऑलरेडी आपको 4 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आप किसी को भी सेट करना चाहोगे ना तो बस सिंपली आप क्लिक कर दो और उसका वॉच फेस यहाँ पे लग जाएगा। फिर आपको यहाँ वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, वाइब्रेशन के अंदर आपको किस तरीके का वाइब्रेशन चाहिए, वीक चाहिए, नॉर्मल चाहिए या स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और ओके कर दो। टाइम सेट करने का ऑप्शन मिलता है, आप स्मार्ट वॉच के थ्रू ही टाइम को सेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशन से, आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम फॉर्मेट भी इसके अंदर आपको 12 आवर और 24 आवर का दोनों मिल जाता है, तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। अबाउट के अंदर आपको स्मार्ट वॉच के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, इसका फर्मवेयर वर्जन ये सब। और लास्टली यहाँ पे हमें QR कोड मिलता है, जिसे स्कैन करके आप इसके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ये कनेक्ट होता है बोट हब ऐप से। रिस्टार्ट BT का ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ को रिस्टार्ट करने का, पावर ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, एंड रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ था लास्ट, हमें इतना कुछ सेटिंग से देखने को मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं इसके शॉर्टकट्स में क्या क्या है। एक आपको DND बटन मिल जाता है, एक आपको रेस टू वेक वाला मिलता है। इससे क्या होगा, जब आप ऑफ करके रखोगे ना तो आप फ्लिप करोगे तो इसका डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, देखो। और फिर जब इसे मैं ऑन कर दूंगा, अब क्या है, जैसे इसे फ्लिप करूंगा ना, इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, देखो। तो इस तरीके से रेस टू वेक का फीचर है। ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस वाला ऑप्शन है, टॉर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आई बटन पे इसका डिटेल्स मिल जाएगा, ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, सेटिंग्स के अंदर आपको पर सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की ना, इसका डिस्प्ले मुझे ठीक ठाक से लग रहा है। आपको यहाँ पे कलर्स बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट से नजर आएंगे, देख सकते हो। एंड इसका कर्व डिस्प्ले है, टच रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ लग रहा है, बहुत ही अच्छा मुझे इसका पिक्सल्स लगा, कलर्स लगा। इसके अंदर आपको कोई भी मेन्यू स्टाइल देखने को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपको ग्रिड वाला फीचर मिला, आपको बस ये लिस्ट वाला मेन्यू स्टाइल ही देखने को मिलता है। तो अपने एंड्रॉइड डिवाइस के साथ साथ iOS में भी कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास ये मेरा एंड्रॉइड टैबलेट है, इस पर मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा। प्ले स्टोर पर चलते हैं और डायरेक्टली भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस नेम से सर्च करना पड़ेगा, बोट हब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 27 MB का ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो चुका है, ओपन करते हैं। और साथ ही साथ में मैं जो यहाँ पे परमिशन अलाउ करूंगा ना, आप भी कर देना, वरना फिर आपको कनेक्ट सही से नहीं होने वाला है। फोन नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप फोन नंबर दे करके इसको लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे साइन अप कर लिया, उसके बाद प्रोफाइल बिल्डअप करने का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करना। इस पे आपका जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मैं मेल हूँ, मेल कनेक्ट कर दिया मैंने। हाउ ओल्ड आर यू, अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल सकते हो। बर्थ डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे हाइट डालने का ऑप्शन आएगा, फटाफट से इसको आप फिल कर लेना। मैं इसको ना थोड़ा स्किप करता हूँ स्पीड में। स्टेप 1, ब्लूटूथ एंड लोकेशन सर्विस को आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले चलेंगे क्या, ब्लूटूथ को ऑन कर दो, लोकेशन सर्विस को ऑन कर दो, दोनों ऑन कर दिया। स्टार्ट पेयरिंग पे चलेंगे, अलाउ कर दो, वाइल अलाउ कर दो, सब अलाउ कर दो आप यहाँ पे। स्टार्ट पेयरिंग पे क्लिक करो। अब क्या है ना, आसपास के डिवाइसेस को ये सर्च कर रहा है। और ये चीज ध्यान रखना कि आपके स्मार्ट वॉच के अंदर आपने ब्लूटूथ वाले को इनेबल कर रखा है, अभी बंद है ना, यहाँ नेम नहीं आएगा। इसको ऑन रखोगे तभी इसके अंदर आपको यहाँ पे आप अपने वॉच का नेम देखने को मिलेगा। देख सकते हो फ्लेक्स कनेक्ट नाम से आ चुका है। पेयर बटन पे क्लिक करेंगे, जोरदार वाइब्रेट होगा और हमारा डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली शो किया यहाँ पे। परमिशंस दे दो, ब्लूटूथ पेयर कर दो, टेलीफोन कैमरा ये सब का परमिशन आप अलाउ कर दो, ताकि आप इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग कर पाओ, ताकि आपके मैसेजेस को रीड कर पाए। एंड हमारा अब पूरा डिवाइस प्रॉपर वे में कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको स्मार्ट वॉच के अंदर कुछ नोटिफिकेशंस को अलाउ ये सब करना है ना, तो फ्लेक्स कनेक्ट पे क्लिक करो। अब इसके ऊपर आपको इसके ऊपर जितने सेटिंग्स मिलते हैं वो देखने को मिलेंगे। वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलेगा, सी मोर पे चलोगे, क्लाउड पे चलोगे तो आपको यहाँ पे 200 प्लस यहाँ पे वॉच फेसेस फ्री में देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ पे लगा के सिंक कर सकते हो। जैसे मैं अगर किसी एक को भी करना चाहूंगा ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस वाले को यस करते हैं। अब क्या है, ये सिंक कर रहा है, डाउनलोड होकर के ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा, एंड काफी ज्यादा फास्ट ये सिंक कर रहा है। तो वेट करते हैं एंड अपडेटेड सक्सेसफुली। देखो ये हमने वॉच फेस लगा के रखा था और इस स्मार्ट वॉच के अंदर हमारा ये वॉच फेस आ चुका है और बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है दिखने में। कस्टम वॉच फेस भी इसके अंदर आप लगा सकते हो, नीचे कस्टम वॉच फेस का बटन है, बस क्लिक करो और यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको गैलरी से सेलेक्ट करना है, गैलरी पे चलो। तो जैसे मैं अपना ये फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं लगाना चाहूंगा, तो क्लिक बटन पे सेलेक्ट करते हैं और अब क्या है ना, ये हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा। आप टाइम क्या चाहोगे, और स्मार्ट वॉच के अंदर आपको सिर्फ डिजिटल कस्टम वॉच फेस ही देखने को मिलता है ना, इसके अंदर आपको डिजिटल के साथ साथ एनालॉग दोनों ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं डिजिटल करूंगा तो इस तरीके का टाइम आ जाएगा, एनालॉग करूंगा तो मैं इनमें से कोई भी एक एनालॉग यहाँ पे डाल सकता हूँ। देखो वाले को डाल देता हूँ, ये वाला, और डन करता हूँ। अब ये अपडेट होने लगेगा, तो यहाँ पे अब ये सक्सेसफुल हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे क्वालिटी दिखाता हूँ, इमेज का क्वालिटी कुछ रिड्यूस हुआ है क्या,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज क्वालिटी मैं बोलूंगा ना, हो सकता है आपको स्क्रीन पे सही से पता ना चले, लेकिन मुझे बिल्कुल HD इमेज देखने को मिल रहा है, कुछ भी मुझे यहाँ पे फटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इमेज क्वालिटी इसने कंप्रेस किया है, लेकिन उससे आपका इमेज क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगा, एज इट इज जैसा मेरा फोटो था ना बिल्कुल वैसा ही फोटो मुझे देखने को मिल रहा है, और ये एनालॉग वॉच के साथ ना बहुत ही सही सा देखने में लग रहा है। अब मैं आपको इसके अंदर कोई भी एक म्यूजिक प्लेबैक सुनाता हूं, तो उससे आपको इसका ब्लूटूथ कॉलिंग क्वालिटी और इसके स्पीकर क्वालिटी का आपको आइडिया मिल जाएगा। फुल साउंड कर दिया है तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा। बहुत ही ज्यादा लाउड स्पीकर आउटपुट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, तो ब्लूटूथ कॉलिंग का तो मजा आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो ना स्मार्ट वॉच पर गाना सुनना चाहते हो, तो आप इसके स्पीकर से भी गाने का मजा ले सकते हो, आपको बहुत ही ज्यादा लाउड स्पीकर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप इसे आसानी से अपने हाथ पे पहन सकते हो, पहनने के बाद कुछ इस तरीके से ये लगने वाला है, मैं बोलूंगा लुक वाइज डिसेंट सा लग रहा है। चलो इसके हार्ट रेट मॉनिटर पे चलते हैं, देखते हैं कि हार्ट रेट को मेजर करते हैं कितना यहाँ पे डेटा शो करने वाला है। दोनों को ऑन कर दिया मैंने और देखता हूं कि कितना यहाँ पे आपको डेटा शो करने वाला है। सो एक मिनट तक टाइम लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीमीटर पे तो आ चुका है, हार्ट रेट शो कर रहा है 97 बीट्स पर मिनट, एंड यहाँ पे अभी तक नहीं आया कोई डेटा, वेट करते हैं। 93 हो चुका है, यहाँ पे 95 शो कर रहा है। इसके अंदर आपको डिसेंट सा एक्यूरेसी देखने को मिल जाता है। आउटडोर पे मैं आपको इसका पेडोमीटर टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। 63 स्टेप्स अभी फिलहाल आपको ये शो कर रहा है, 100 स्टेप्स चलते हैं और ये 163 शो करता है या फिर कितना आगे पीछे शो करता है, चलो इसे टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 96 97 98 99 100। तो गाइज मैंने 100 स्टेप्स चला और इसके अंदर कितना डेटा शो करता है चलो देखते हैं। तो इसके अंदर 100 स्टेप्स मैंने चला और 162 शो कर रहा है, था 63, यानी कि इसके अंदर 99 स्टेप्स शो कर रहा है। मैंने 100 स्टेप्स चला, यानी कि इसके अंदर आपको ना सच में 99% एक्यूरेसी देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा आपको इसके अंदर एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाएगा। वाओ, आई एम रियली इंप्रेस्ड। अभी तक मैंने बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस ट्राई कर रखे हैं, लेकिन इसका पेडोमीटर सेंसर ना मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा सही और एक्यूरेट देखने को मिला है। 7 कैलोरीज मैंने बर्न किए इतने देर पे और 0.12 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। गाइस जैसे अभी ये कनेक्टेड है ना, तो अब करना है कि अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग करना चाहते हो तो डायलर वाले ऑप्शन पे चलना। यहाँ पे आप रिसेंट कॉल्स में किन से आपने बात किया है वो देख पाओगे, कॉन्टैक्ट्स अगर आपने कुछ सिंक करके रखा होगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा, वो देख पाओगे, वरना आप डायल कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैं डायल वाले ऑप्शन पे चलूंगा तो इसका डायल पैड ओपन हो जाएगा, किसी का भी नंबर आप यहाँ पर डायल करके बस ग्रीन बटन को दबा दो तो यहाँ पे कॉल चला जाएगा। देखो ये साउंड आपको इसके अंदर से सुनने को मिल रहा है, वॉल्यूम को कम ज्यादा आप कर सकते हो इस तरीके से, एंड काफी लाउड स्पीकर मिलता है। यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो और इससे आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। देखो तो बड़ा ही सिंपल तरीके से आप इसके अंदर आप ब्लूटूथ कॉलिंग का मजा ले सकते हो, आसानी से आप किसी से भी ब्लूटूथ कॉलिंग पे बात कर सकते हो इसके थ्रू। अब गाइस इस स्मार्ट वॉच के अंदर ना मुझे एक थोड़ा सा फॉल्ट नजर आ रहा है, इसके अंदर ना मुझे डिस्प्ले पे लाइट लीक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ ध्यान से दिखाऊं ना, अगर आप देख पाओगे, बटन दबाऊंगा मैं, देखो नीचे पे आपको कैलोरीज वाला जो ऑप्शन है वहां पे आपको हल्का सा एक लाइट लीक होता हुआ नजर आ रहा है डिस्प्ले पे। तो मुझे लगता है कि सही में ये एक रिफर्बिश्ड यूनिट है जो मुझे भेजा गया, मैं डेफिनेटली इसे रिटर्न डालूंगा।
तो अगर ये अच्छा सा आता ना, एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट आता, तो मैं बोलता ना कि सही में एक बहुत ही डिसेंट सा प्रोडक्ट है। 1500 के नीचे एक अच्छा खासा ब्रांड के साथ आ रहा है, एक साल की वारंटी के साथ, अच्छा खासा स्क्रीन साइज मिल जाएगा, डिस्प्ले HD क्वालिटी का मिल जाता है एंड बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट है। अगर ये प्रॉपर न्यू कंडीशन में आता तो डेफिनेटली वर्थ इट रहता, लेकिन इसके अंदर जो आपको ये मैं बोलूंगा बॉक्स को दोबारा रिपैक किया गया है, डिस्प्ले पे लाइट लीक देखने को मिल रहा है, स्क्रैचेस जो इसके फ्रेम पे है ना, इससे एक्सपीरियंस सच में बहुत ही ज्यादा खराब मिला इस बार। तो अगर आप बोलोगे कि मैं इसे 10 में कितने पॉइंट्स देना चाहूंगा, तो मैं इससे 4 out of 10 देना चाहूंगा ऐसे एक्सपीरियंस के लिए। तो गाइज ये था इस बोट वेव फ्लेक्स स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। और क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जब आपने कुछ स्मार्ट वॉच ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो कमेंट्स करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं इसे अभी डालने वाला हूँ रिटर्न या रिप्लेसमेंट में जो भी अवेलेबल रहेगा। अगर आप लेना चाहोगे ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि फ्लिपकार्ट से मत लेना। मैंने रिटेल नेट एक रेप्यूटेड सेलर है जो फ्लिपकार्ट का, उससे लिया था, बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। सो गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अलर्ट रह पाए। अलर्ट रहने का क्या है कि जब आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप प्रोडक्ट जब आपके पास डिलीवर हो तो बस उसके अच्छे तरीके से बार कोड, उसका बिल, उसका अच्छे तरीके से बॉक्स का ओवरव्यू पूरा वीडियो बना लेना ताकि आपके साथ स्कैम ना हो पाए। जाता हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।